हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पीके से पीयूष टेक और मैं हूं आपके साथ पीयूष। तो आज की वीडियो में हम जाने वाले बेस्ट रिजोल्यूशन एंड मतलब बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स होती है, लेकिन अगर आप ये सेटिंग्स जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर वो अपने किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर में कर लेते हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर हो, या अगर आपने नहीं देखा है अभी तक मेरा दो वीडियो जिनमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर्स के बारे में डिस्कस किया है, तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियो का, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उन दोनों में मैंने बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स के बारे में अभी तक बता दिया है। अगर आप किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर को इस्तेमाल करते हो और अगर आप उनमें ये सब सेटिंग्स करते हो जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आपका जो गेम रिकॉर्ड होगा वो बहुत HD क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा और उसके अंदर से जो क्वालिटी आएगी वो लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर खोल दिया है। ये कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा अगर आप आई बटन वाले लिंक पे क्लिक करके मेरा एक वीडियो देख लोगे जिसमें मैंने बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताया है। एगो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके पहले वाला वीडियो है वो। तो यहाँ पर मैं रिजोल्यूशन हमेशा रखता हूँ 1280x720। अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हो या इससे कम भी रख सकते हो। और फ्रेम मतलब अगर आपने जो रिजोल्यूशन डिसाइड किया है, पहले तो आप रिजोल्यूशन डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे फ्रेम्स के अनुसार देखना है। अनुसार ज़्यादा ही हो गया, तो फ्रेम्स के मतलब फ्रेम्स के देख लेना अपना फ्रेम्स कैसा रखना है आपको। तो लोग 16:9 का रेशियो ही रखते हैं फ्रेम्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं कुछ भी रख सकता था लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है और मैं इसमें जब अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करता हूँ वो बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है, इसीलिए मैं ये वाला रिजोल्यूशन रखता हूँ। तो रिजोल्यूशन के बाद आपको जो चेक करना रहता है वो होता है आपका बीट रेट, और कुछ नहीं, बीट रेट आपको चेक करना है। बीट रेट आपको कितना रखना है वो आप पे ही डिपेंड करता है, इसमें जो भी सेटिंग्स है वो आप पे डिपेंड करती है, लेकिन क्या और कैसे क्या काम करेगा और कौन सा अच्छा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे अपने रिकॉर्डर में बीट रेट 8 या 10 रखना है, मेरे हिसाब से 8 या 10, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपना बीट रेट रखोगे तो आपके जो फाइल का साइज होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी जैसे लिखा हुआ है, सिलेक्ट क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग, हायर क्वालिटी मीन्स लार्ज वीडियो फाइल साइज। तो अगर आपका क्वालिटी ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका फाइल का साइज भी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको मतलब एज अ रेफर करना चाहूँगा कि आप 8 या 10 Mbps का बीट रेट रखो, ये बहुत अच्छा होता है। तो अब बारी आते हैं सबसे मेन चीज़ की जिसका नाम है फ्रेम रेट। और फ्रेम रेट क्यों मेन है, क्योंकि इसी से आपके क्वालिटी को इफ़ेक्ट पड़ता है और आपका जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो सकता है। अगर आपको अपना वीडियो थोड़ा स्मूथ रखना है, या अगर आप कोई गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हो और उसके लिए मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हो या इसी स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको अपना फ्रेम रेट 60 FPS रखना है, FPS रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा फ्रेम रेट होगा उतना ही मतलब एक मिनट के अंदर कितना आपका फ्रेम रेट आना चाहिए, एक मिनट के अंदर जितना ज़्यादा फ्रेम रेट होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप वीडियो को स्लो दिखाना चाहते हो, अगर आप कोई सिनेमैटिक शॉट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो उसके लिए तो आपको मतलब वीडियोग्राफी का नॉलेज चाहिए, लेकिन अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड रखना है कोई चीज़ तो आप उसके लिए 24 का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप 60 अगर रखोगे तो सारे चीज़ों में काम आ जाएगा। तो मैं 60 रखता हूँ तो आपको भी 60 ही रेफर करूँगा। तो अब मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो जैसे आपको बेसिकली पता होगा कि आप लोग ये पूछते हो, भाई मैं रिकॉर्ड ऑडियो मतलब आपका इंटरनल साउंड आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल साउंड आ रहा है, इंटरनल नहीं आ रहा है, और आपको चाहिए इंटरनल साउंड प्लस आप जिससे बात कर रहे हो उसका भी साउंड, आपका एक्सटर्नल साउंड सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए आपके स्क्रीन रिकॉर्डर में जो आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसके लिए पहली बात तो आपको कोई भी माइक या जैक वाला माइक या हेडफोन इस्तेमाल नहीं करना है। ब्लूटूथ का पता नहीं, अगर आप ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हो और आपका में चल रहा है तो ठीक है, लेकिन किसी किसी का में नहीं चलता और किसी किसी का में चल जाता है, लेकिन अगर आप जैक लगाओगे तो आपका इंटरनल ऑडियो नहीं आएगा मे भी।
और अगर आपका इंटरनल ऑडियो बिना जैक लगाया आप नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहे हो तब भी नहीं आ रहा है, तो आपका ये प्रॉब्लम है कि आप रिकॉर्ड ऑडियो को ऑन नहीं किए हुए हो। ऑन कर लीजिए, रिकॉर्ड ऑडियो को ऑन कर लीजिए, और यहाँ पे आपको नीचे में जाके ऑडियो सोर्स का ऑप्शन दिख जाएगा किसी भी रिकॉर्डर में। अगर नहीं दिखे तो आप इस रिकॉर्डर को डाउनलोड करके ऑडियो सोर्स का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप जाके माइक चूज़ कर लीजिए, अनप्रोसेस्ड को छोड़ के माइक। माइक चूज़ करने से क्या होगा कि आपका इंटरनल ऑडियो भी आएगा और एक्सटर्नल ऑडियो भी आ जाएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। और कितना बार मैंने देखा है कि किसी किसी में जैक लगा के भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है ऊपर में माइक भी लगा रहता है हेडफोन के साथ। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो एक बार अपने मतलब रिकॉर्डर को डाउनलोड करने के बाद, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, और आपका में अगर काम कर रहा है तो आप खुश हो जाइए और उसको चलाइए। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑडियो बिटरेट के बारे में। मेरे हिसाब से तो मेरे रिकॉर्डर में मैं जितनी सेटिंग्स करके अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करता हूँ उसमें ये सारी सेटिंग्स ही करता हूँ चेंज, और बाकी सब नॉर्मल रहने देता हूँ। लेकिन अगर आपके रिकॉर्डर में और भी कुछ है ख़ास तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो, उससे मैं मना नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑडियो बिटरेट का ऑप्शन। ऑडियो बिटरेट वही चीज़ कि आपकी ऑडियो की क्वालिटी कितनी तेज़ जाएगी और कितनी अच्छी रहेगी। अगर आप एक तरीके से देखो तो ऑडियो बीट रेट और वीडियो का जो बीट रेट है वो डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। अगर आप 8 Mbps का बीट रेट रख रहे हो और वीडियो में मेरे हिसाब से तो उसके लिए आपको 120 kbps का ऑडियो बीट रेट रखना चाहिए, और उससे कम का रख रहे हो तो आपको 64 या kbps का रखना चाहिए। अगर आप 8, 10, 12 इन तीनों में से कोई भी रख रहे हो, या 15, 16 या 20 तक आप कोई भी रख रहे हो, तो आपको 128 का बीट रेट रखना है ऑडियो में। अगर आप उससे ज़्यादा रखोगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 24 या 30 इन दोनों में से कोई एक रखोगे, तो आपको यहाँ पे ऑडियो बीट रेट को 256 कर देना है। और लास्ट आता है अगर आप 40 का बीट रेट रखोगे, 40 Mbps का बीट रेट, तो आपको यहाँ पे 320 कर देना है। उसके हिसाब से आपका डिपेंड करता है, दोनों पे एक दूसरा पे डिपेंड करता है। अब ऑडियो बीट रेट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आपको ऑडियो अच्छी तरीके से लोगों को सुनाई देगा, आपके ऑडियो में जितना भी क्रिस्पनेस है या जितना भी मतलब क्या बोलूं, अगर आपके ऑडियो में कोई भी रुकावट है या रुकावट के लिए तो रुकावट है या छोटा मोटा थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके ऑडियो में इधर उधर थोड़ा सा आप ऑडियो कम कर ले रहे हो या आप कम बोल रहे हो, गेम प्ले में आपका ज़्यादा ध्यान चल गया, तो आपका गेम प्ले का ऑडियो बहुत अच्छी तरीके से आएगा, आपका ऑडियो जो बाहर का नॉइज़ है वो कम आएगा। वो आप पे डिपेंड करता है, वो मैं 128 रखता हूँ, आप जितना रखना चाहो वो आप रख सकते हो।